Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम यूनिट 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का एक सॉल्व एग्जाम्पल देते हैं जो कि रिलेशन टॉपिक से कंसर्न है. ओके, देखते हैं क्वेश्चन को. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि R जो है वो एक रिलेशन है सेट Z पे, मतलब कि Z से Z पे वो डिफाइन है. और R की डेफिनेशन क्या दी है कि R के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B होंगे जहाँ पे A माइनस B जो है वो 2 से डिविजिबल होगा. और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा. तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो. ठीक है, तो जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ए कॉमा ए आर में है, मतलब रिलेशन में है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट जेड, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए मान लो कि ए एक कोई भी इंटीजर है, तो अगर हम एक इंटीजर में से उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो. ठीक है, क्योंकि इंटीजर में से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ज़ीरो आया. और ज़ीरो को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो. ठीक है, जो कि एक रियल नंबर है. तो इसका मतलब हम हमेशा ए माइनस ए को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस ए. और अगर 2 ए माइनस ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में है. और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, तो मतलब आर को हमने रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर दिया. अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक. कोई भी एक रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब ए कॉमा बी अगर रिलेशन में हो तो फिर बी कॉमा ए भी कंपल्सरीली रिलेशन में होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है कि ए कॉमा बी रिलेशन में हो. ए कॉमा बी रिलेशन में कब होगा, जब ए माइनस बी डिविजिबल होगा 2 से. ठीक है, अब अगर a कॉमा b डिविजिबल है 2 से, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 2p, जहाँ पे p एक इंटीजर होगा क्योंकि वो डिविजिबल है. ठीक है, अब अगर a माइनस बी 2p के बराबर है, तो दोनों साइड से माइनस 1 कॉमन लेके हम क्या बोल सकते हैं कि b माइनस a क्या होगा, माइनस 2p के बराबर, जो भी क्या होगा 2 इंटू माइनस पी के बराबर. अब क्योंकि पी एक इंटीजर था तो माइनस पी भी इंटीजर है. ठीक है, तो इसका मतलब b माइनस ए भी क्या है, डिविजिबल बाय 2. तो हम ये कह सकते हैं कि b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि b कॉमा a बिलोंग्स टू R. अब a कॉमा b बिलोंग्स टू R से स्टार्ट किया था, b कॉमा a पे ख़त्म किया, तो हमारा जो रिलेशन R हुआ वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक. ओके, और एट लास्ट हम किस पे जाएंगे, ट्रांजिटिव पे. अब कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाता है, जब अगर a कॉमा b रिलेशन में हो और b कॉमा c रिलेशन में हो, तो हमें प्रूफ करना होता है कि a कॉमा c भी रिलेशन में. ठीक है, अब यहाँ से अगर a कॉमा b रिलेशन में है तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस b 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब हम उसे मान लेते हैं 2p. b कॉमा c रिलेशन में है, मतलब b माइनस c भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब उसे हम मान लेते हैं 2q, जहाँ पे p और q क्या है, दो इंटीजर्स. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि a माइनस c भी 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, उसके लिए इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1,
इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन टू और दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू टू पी प्लस टू क्यू। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ए माइनस सी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स पी प्लस क्यू। ठीक है, अब p और q दोनों इंटीजर्स थे तो p प्लस q भी एक इंटीजर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस सी जो है वो डिविजिबल होता है 2 से। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r, और अगर ये रिलेशन में है तो फिर r कैसा है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके और क्योंकि हमने इसे तीनों चीज़ें प्रूव कर दी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। ओके, यही प्रूव करना था हमें। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।